नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निर्धारित क्लासेस में। दोस्तों, यूके SSSC की ओर से यहाँ पे एक लेटेस्ट सूचना जारी की गई है और ये सूचना है वन आरक्षी भर्ती यानी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा निरस्त होने के संबंध में। ठीक है, ये आज ही इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई है। ठीक है, वैसे दिनांक 7/3 यानी कल की है, लेकिन आज यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जारी की गई है। ठीक है, तो दोस्तों इस सूचना को पढ़ने से पहले, इस सूचना में जो जानकारी है उसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम हुआ था 16 फरवरी को, उसमें जो कुछ धांधलियों का मामला सामने आया था, कुछ परीक्षा लीक होने का मामला सामने आया था, जिसके विरोध में बहुत सारे बेरोजगार छात्र जो कि देहरादून में वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, पीसी पंत और बॉबी यादव के नेतृत्व में। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में वहां पे उनका सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो अपना एक कोई पर्टिकुलर काम के लिए वहां पे धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, वो आप लोगों के लिए वहां पे लगातार धरना दे रहे हैं। ठीक है, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए जो भी युवा वहां पे विशेषकर जो कि देहरादून में कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे आप लोग वहाँ पे जरूर जाइए, उनका सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो किस लिए आप कोचिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर आगे ऐसी लगातार ऐसी धांधली होती रही एग्ज़ाम में, ठीक है, तो जिनके पास पैसा है वही वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब पा सकेंगे, बाकी जो गरीब हैं जो कोचिंग कर रहे हैं इतने पैसे देकर, उनका यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, इसलिए विशेषकर जो देहरादून और उसके आसपास के जिलों के जो लोग हैं वो अधिक से अधिक वहाँ पे पहुँचने की कृपा करें। ठीक है, तो आगे देखते हैं दोस्तों इस सूचना में क्या लिखा है। ठीक है, दिनांक 5/3/2020 को उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के साथ कई अभ्यर्थी आयोग कार्यालय में वन आरक्षी भर्ती परीक्षा के निरस्तीकरण हेतु प्रदर्शन करने आए तथा उन्होंने यह ज्ञापन प्रस्तुत किया कि अब चूंकि इस परीक्षा में पेपर लीक की पुष्टि हो गई है, अतः इस परीक्षा को तत्काल निरस्त किया जाए। ठीक है, 5/3/2020 को गए थे कुछ अभ्यर्थी जो बेरोजगार या जो आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने वहाँ पर ज्ञापन दिया गया कि पुष्टि हो गई है कि इसमें नकल कराई है, इसलिए इस भर्ती परीक्षा को निरस्त किया जाए। इसके कुछ दिन पूर्व आयोग कार्यालय में 28-30 अभ्यर्थियों का दल यह अनुरोध करने आया कि यह भर्ती परीक्षा निरस्त नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, और एक दूसरा अभ्यर्थियों का गुट भी है जो कि इस भर्ती परीक्षा को निरस्त न करने की मांग कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार दोनों पक्ष आयोग में अपना ज्ञापन अनुरोध पत्र भी दे चुके हैं। इन सभी अभ्यर्थियों को आयोग की ओर से अवगत कराना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भर्ती परीक्षाओं का निरस्त करने के संबंध में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि भर्ती निरस्त करने का निर्णय युक्त होना चाहिए तथा गड़बड़ी के परिणाम के आधार पर किया जाना चाहिए। ठीक है, अभी भी यहाँ पे बता रहे हैं गड़बड़ी के आधार, इतनी सारी गड़बड़ियाँ मिल चुकी हैं। ठीक है, कई यहाँ पे सूचना आ चुकी है लगातार कि बहुत सारे पकड़े भी गए हैं। ठीक है, पुलिस ने बहुत सारे जो यहाँ पे आरोपी थे उनको पकड़ भी लिया है। ठीक है, फिर भी यहाँ पे अभी लगातार ये यहाँ पे बयान आ रहे हैं आयोग की तरफ से कि कोई आधारभूत वो होना चाहिए, ठीक है, बेस होना चाहिए भर्ती को निरस्त करने का, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि ऐसे क्यों कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, वर्तमान तक भी आयोग को इस परीक्षा में हुई गड़बड़ी की व्याख्या प्राप्त नहीं हुई। अब देखो यहां पे ये बोली वर्तमान तक भी आयोग इस परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की व्याख्या प्राप्त नहीं हुई, जबकि इतनी सारी गड़बड़ी का मामला सामने आ चुका है। ठीक है, ऐसे में संबंधित जांच एजेंसी विभाग से आयोग की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही आयोग इस संबंध में कोई निर्णय ले सकेगा। अभी अपने ज्ञापन में जो पेपर लीक होने की बात संगठन के सदस्यों द्वारा की गई है, इस बारे में कोई भी रिपोर्ट आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है, अतः अभी परीक्षा के संबंध में कोई भी निर्णय अपरिपक्व का निर्णय होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इनका बोलने का मतलब है कि अभी कोई जब तक ठोस सबूत नहीं मिलता, लेकिन इतने सारे सबूत सामने आ चुके हैं, फिर भी यहाँ पर ये लगातार यहाँ पर क्या है युवाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं, जो कि बेरोजगार युवा हैं, इतने अभ्यर्थियों ने इतने सालों तक इंतजार किए फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम का। इसलिए दोस्तों फिर से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक वहां पे जो कि देहरादून परेड ग्राउंड में धरना स्थल पर वहां पे धरना दे रहे हैं, ठीक है, उनका अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए, अधिक से अधिक संख्या में वहां पे जाइए। अपने यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे अपने ज्ञापन में संगठन प्रतिनिधि द्वारा इस बात का भी उल्लेख किया गया कि परीक्षा को निरस्त कर 100 दिन में पुनः परीक्षा कराई जाए। इस बिंदु पर भी इस परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों से यह अनुरोध है कि एक अपरिपक्व निर्णय लेकर यदि परीक्षा निरस्त भी कर दी जाए तो इस निर्णय को माननीय न्यायालय को में चुनौती दी जा सकती है। ऐसे में यह परीक्षा चयन एक लंबी विधिक प्रक्रिया में फंस सकती है, इसका किसी भी अभ्यर्थी को कोई लाभ नहीं है। अतः सभी अभ्यर्थियों व युवाओं से यह अनुरोध है कि वे इस मामले में चल रही जांच था उसके उपरांत आयोग के निर्णय की प्रतीक्षा करें। वर्तमान में परीक्षा निरस्तीकरण के लिए धरना आंदोलन या अन्य प्रकार से विरोध प्रदर्शन का उचित नहीं है, उचित समय पर आयोग इस मामले में स्वयं निर्णय लेगा। ठीक है, तो आयोग यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सूचना जारी की गई आयोग की तरफ से और आपने समझ लिया होगा कि आयोग क्या है, लगातार टालने की कोशिश कर रहा है कि ये भर्ती किसी भी प्रकार टाल दी जाए और जिन्होंने यहाँ पे पैसे दे रखे हैं उनको आसानी से, जो भी इसमें सम्मिलित हैं वो आसानी से बच जाएं और जिन्होंने यहाँ पे घोष दे रखी है वो आसानी से निकल जाएं। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा होने वाला नहीं है, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे सभी उन लोगों का, ठीक है, जो कि वहाँ पे लगातार आप लोगों के लिए वहाँ पे काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए धरना दे रहे हैं। ठीक है, तो आप अधिक से अधिक जो भी वहाँ पे युवा हैं वो वहाँ पे अधिक से अधिक जाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि सभी लोग, ताकि वीडियो पहुँच सके और सभी लोग वहाँ पे
जरूर जाएं, ठीक है, देहरादून में जरूर जा सकें, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।